तो फिर हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द गिकी मॉग में। दोस्तों दिन में था भाई आज जो है Redmi k20 और Redmi k20 Pro का लॉन्च इवेंट, जिसको हमने स्ट्रीम किया तो काफी सारे लोगों के काफी सारे डाउट्स थे। तो अभी तक की हालांकि काफी सारे लोगों ने पहले ही वीडियो बना दिए, लेकिन बिलीव मी अभी तक जब उन्होंने वीडियो बनाई तब तक की काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई थी दोनों ही डिवाइस के बीच में। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास पूरी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन है और आपके सारे के सारे डाउट इस सिंगल पर्टिकुलर वीडियो में पूरे पूरे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी मेरी है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे रिमाइंड करवा दूं कि Realme 3 Pro का गिव अवे चल रहा है हमारे चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक की पार्टिसिपेट नहीं किया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जस्ट गो एंड पार्टिसिपेट एंड यू कैन विन द ब्रांड न्यू Realme 3 Pro, ठीक है। तो चलिए फिर नाउ लेट गेट स्टार्ट। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे Redmi k20 Pro और Redmi k20 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जहां जहां भी डिफरेंस है मैं वहां पे हाईलाइट कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रीन की बात कर ले तो भाई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है AOD डिस्प्ले। जब आप लोग बोलेंगे कि ये AOD का मतलब क्या है, दैट इज ऑलवेज ऑन स्क्रीन। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर स्क्रीन हमेशा रहेगी ऑन। और यहाँ पे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एमोलेड स्क्रीन दिया हुआ है और साथ ही साथ में यहाँ पे ये लोग एक डार्क मोड का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को पता ही है कि जो यार एमोलेड स्क्रीन होती है उसमें पर पिक्सल वहां पे लाइट लिट करती है। तो यहाँ पे जब वो लोग डार्क मोड इस्तेमाल करेंगे तो जिसकी वजह से वहां पे काफी सारे पिक्सल्स होंगे जो कि वहां पे जलेंगे नहीं, जिससे कि वहां पे बैटरी कंजम्पशन वहां बहुत कम हो जाएगा। जिसकी वजह से अगर ये ऑलवेज ऑन स्क्रीन अगर ये रहता भी है तब भी बैटरी पे कोई भी इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। खासकर यार एमोलेड स्क्रीन है तो वैसे भी बैटरी काफी ज्यादा वो कम कंज्यूम करती है। अब अगर हम लोग इसके यहाँ पे साइज पे आ जाए तो भाई यहाँ पे आपको 6.39 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है और साथ ही साथ में इसके अंदर 600 nits की ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग इसके पिक्सल साइज की बात कर ले तो भाई यहाँ पे 403 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिलती है, सॉरी पिक्सल साइज नहीं था, पिक्सल डेंसिटी है 409 ppi की। और इसके साथ ही साथ में यहाँ पे आपको 30% इम्प्रूव्ड फिंगरप्रिंट सेंसर एक्यूरेसी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे 7th जनरेशन का फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे यूज हुआ है। इसके बाद दोस्तों ये तो यार हो गई स्क्रीन की बात। अगर हम लोग यहाँ पे बॉडी की बात कर ले तो अभी भी काफी लोग कंफ्यूज थे कि आखिरकार इसके अंदर बैग में आपको भाई यहाँ पे ग्लास की बॉडी मिलती है कि मेटल की मिलती है कि प्लास्टिक की मिलती है, क्योंकि इतना बेहतरीन और गजब सा डिजाइन इन्होंने दे दिया है। हाउ इज इट पॉसिबल टू ब्लेंड इट इन टू अ ग्लास? तो भाई यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे जो है ग्लास की बॉडी दिया हुआ है रियर में और फ्रंट में भी भाई ग्लास तो है ही, कॉर्निया गोरिल्ला ग्लास 5 का ना प्रोटेक्शन है। और साथ ही साथ में भाई इसके अंदर इन्होंने एक मेटल यूनि बॉडी दी है, मतलब जो इसका फ्रेम है ना वो है पूरी की पूरी तरीके से मेटल का, तो जो कि बहुत ही बढ़िया है। मतलब कि साइड में जो फ्रेम मिलता है वो भी आपका मेटल का है, बैक और फ्रंट दोनों में ही आपको ग्लास की बॉडी देखने को मिलती है। और इवन बिलीव मी दिस पर्टिकुलर फोन्स फ्रॉम द बैक लुक्स रियली वेरी ऑसम। यहाँ इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख जो सकते हैं कि यहाँ पे आपको 3D ग्रेडियंट बैक डिजाइन देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ में इसके जो बीजल्स है ना भाई वो बहुत ज्यादा थिन है और ये सिर्फ और सिर्फ 191 ग्राम ही वेट करता है। हालांकि ज्यादा है लेकिन दोस्तों फिर भी ये 191 ग्राम का है तो वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग इसके यहाँ पे कैमरा फ्रंट में आ जाए भाई, यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है विद एपर्चर 2.2 और यहाँ पे इसका माइक्रोन पिक्सल साइज है 0.8 माइक्रोन। और साथ ही साथ में यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे 6 काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट देखने को मिल आपको जाता है, क्योंकि ये है पॉपअप कैमरा तो जब ये पॉपअप होता है तो 6 अलग अलग यहाँ पे साउंड आपको देखने को मिल आपको जाते हैं, जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जब यहाँ पे पॉपअप होता है तो साइड में यहाँ पे लाइट भी जलती है। एक चीज और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि भाई जो यहाँ पॉपअप कैमरा है यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी कि जब ये पॉपअप होता था तो अगर उसमें कभी डस्ट वगैरह चली जाए तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे फ्रंट सेल्फी कैमरा में जो फ्रंट वाला कैमरा होता था उसके लेंस पे यहाँ पे स्क्रैचेस लगने के चांसेस होते थे। तो यहाँ पे भाई शाओमी ने इस चीज का खास कर से ध्यान रखा है और भाई यहाँ पे इन्होंने दे दिया है सफायर लेंस, जिसकी वजह से अब यहाँ पे डस्ट वगैरह की वजह से फ्रंट सेल्फी कैमरा में कोई भी स्क्रैचेस वगैरह देखने को आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों एक चीज और यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, अगर हम लोग रियर वाले कैमरे की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल। 48 मेगापिक्सल का इनका प्राइमरी सेंसर है। अगर आप Redmi k20 की बात करें तो वहां पे आपको IMX 586 वाला सेंसर देखने को मिलता है, जो कि आपको Redmi Note 7 Pro में देखने को मिल आपको जाता है। और वहीं जो 13 मेगापिक्सल का है वो है उनका वाइड एंगल लेंस और जो 8 मेगापिक्सल का है वो है टेलीफोटो लेंस। वहीं अगर आप Redmi k20 की बात करेंगे, Redmi k20 में भी आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, बस जो इनका 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो भाई सोनी का IMX 586 वाला सेंसर ना हो करके IMX 582 वाला सेंसर है।
ये भाई नया वाला सेंसर है, कोई इसके बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, बस यही चीज हमें पता है कि यहाँ पर भी आपको जो है एपर्चर वगैरह काफी बढ़िया देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी सेम 1.6 माइक्रोन पिक्सल साइज आपको देखने को मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ पिक्सल बिनिंग, तो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो कि जो इनका वाइड एंगल कैमरा है ये 124.80 डिग्री के हिसाब से यहाँ पे वाइडली वीडियोज वगैरह कैप्चर या फोटो वगैरह कैप्चर कर सकता है। इसके साथ ही साथ में इसके अंदर आपको 2x ऑप्टिकल जूम और 10x डिजिटल जूम भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि ऑप्टिकल जूम इज मच बेटर, तो 2x मिल रहा है तो वो भी भाई काफी ठीक है। साथ ही साथ में दोस्तों अगर जो है मैं यहाँ पे इसकी वीडियो जो है रिकॉर्डिंग की बात कर लूँ, तो भाई यहाँ पे ये लोग 4K वीडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं आप 30 FPS के फ्रेम रेट पे, और साथ ही साथ में यहाँ पे 1080p में आप यहाँ पे 60 FPS में भी वीडियो रिकॉर्ड आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ में जो सुपर स्लो मोशन वीडियो है 960 FPS की वो भी आपकी 1080p में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो काफी ज्यादा बढ़िया जो है बात है। साथ ही साथ में इसके अंदर आपको 240 FPS और साथ ही साथ में 120 FPS पे भी आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, सो इट इज एक्चुअली वेरी गुड। इसके बाद दोस्तों एक और जो है डिफरेंस है Redmi K20 Pro और Redmi K20 के बीच में, भाई यहां पे आपको Redmi K20 Pro में आपको देखने को मिल जाता है लेजर ऑटो फोकस, जो कि आपको Redmi K20 में देखने को नहीं जो है मिलता है, मतलब उसमें भी आपको ऑटो फोकस देखने को मिलता है PDAF वाला, लेकिन यहां पे आपको Redmi K20 Pro में लेजर ऑटो फोकस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मतलब कि फोकसिंग काफी ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू Redmi K20 Pro में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे प्रोसेसर की बात कर ले, तो भाई Redmi K20 Pro में आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 855 वाला प्रोसेसर, और यहाँ पे आपको GPU देखने को मिलता है बहुत ही बेहतरीन एड्रीनो का 640 जो कि अभी टॉप क्लास का है, ठीक है। एक चीज आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो इन्होंने एंटूटू बेंचमार्क यहाँ पे भाई बताया है वो है 380,000 के आसपास, जो कि बुरा नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। और अगर यहीं अगर आप बात करेंगे Redmi K20 की, तो भाई आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं कि भाई यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 730 वाला प्रोसेसर, और साथ ही साथ में भाई यहाँ पे आपको क्रायो का 460 कोर देखने को मिलता है, मतलब कि कॉर्टेक्स A76 वाला कोर देखने को मिलता है जो कि 2.2 GHz पे क्लॉक्ड है, बहुत ही बढ़िया बात है भाई। इसका जो आपको एंटूटू बेंचमार्क स्कोर मिलता है, हालांकि शाओमी ने यहाँ पे बताया नहीं है, लेकिन भाई यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन 730 है वो मैक्सिमम स्कोर करता है 2,22,000 के आसपास, तो वो मैंने आपको बता दिया 2,22,000। और अगर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज है पोको F1 से, तो भाई पोको F1 2,70,000 के आसपास एंटूटू बेंचमार्क में स्कोर कर जाता है, तो भाई आप लोग इतना रफली आइडिया लगा लें कि Redmi K20 ज्यादा बढ़िया है कि Redmi की भाई पोको F1, तो भाई यहाँ पे ये चीज निश्चित है कि भाई यहाँ पे पोको F2 आपको Redmi K20 Pro ही मिलेगा, Redmi K20 नहीं मिलेगा, ठीक है ठीक है। कभी भी यहाँ पे डिग्रेडेशन नहीं होगा, हमेशा अपग्रेडेशन होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे Redmi K20 Pro ही आपको पोको F2 देखने को मिलेगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे भाई बैटरी की बात कर ले, तो दोनों में ही आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, बस डिफरेंस ये है कि भाई Redmi K20 Pro में आपको भाई इन द बॉक्स 27 वॉट का चार्जर क्विक चार्ज 4 प्लस देखने को मिल जाता है, और वहीं भाई Redmi K20 के अंदर आपको देखने को मिलता है 18 वॉट का चार्जर, जो कि बुरा नहीं है भाई, दोनों ही फोन में काफी बढ़िया चार्जिंग स्पीड आपको देखने को मिलेगी। प्राइस के हिसाब से एक का प्राइस ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा बेहतर चार्जिंग स्पीड है, एक का प्राइस थोड़ा कम है तो वहां पे थोड़ा कम चार्जिंग स्पीड है। इसके बाद दोस्तों एक चीज और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है GPU टर्बो 2.0, तो एक चीज आप लोग को यहाँ पे बता दूं कि जो इनका यहाँ पे GPU टर्बो 2.0 है, यहाँ पे ये लोग क्लेम करते हैं यहाँ पे टच की रिस्पॉन्सिवनेस काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है, साथ ही साथ में यहाँ पे 4D वाइब्रेशन शॉक भी आपको लगेंगे, मतलब कि PUBG में गोली खाएंगे तो फोन थोड़ा सा कापेगा, 4D का थोड़ा सा नया वाइब्रेशन सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और भाई साथ ही साथ में इन्होंने एक और चीज यहाँ पे इतना बताई है कि जैसे PUBG वगैरह खेलते हैं जहाँ पे डार्क एरियाज हैं, तो ये बेसिकली उन पर्टिकुलर एरियाज को काफी ज्यादा लाइट कर देता है, ठीक है। काफी ज्यादा लाइट का मतलब कि काफी ज्यादा वो वहां पे ब्राइटनेस वहां की एरिया की बढ़ा देता है, जिससे कि आपको एनिमी वहां पे स्पॉट करने में आसानी होगी। एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जो GPU टर्बो 2.0 है, ये अप्रोक्सीमेटली 33% तक की जो डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोसेसर है उसको भी काफी हद तक ये रोकता है, जिसकी वजह से अगर आप काफी दिनों बाद भी इसी पर्टिकुलर फोन में कोई पर्टिकुलर बहुत ही हैवी गेम खेलेंगे तो आपको परफॉर्मेंस वैसी ही मिलेगी जैसे कि एक नए वाले फोन में देखने को मिलती है, तो ये एक काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे दूसरी चीजों के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको डुअल बैंड GPS देखने को मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन में, साथ ही साथ में यहाँ पे आपको NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। ये भाई सोचने वाली बात है कि इंडिया में NFC ये लोग लेकर के आते हैं कि नहीं, अगर ये लोग NFC नहीं लेकर के आएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कट हो जाए, और भाई पोको F2 को 23,000 के आसपास ले आए, जो कि बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो भाई यहाँ पे कोई भी आपको IR सेंसर देखने को नहीं मिलता है, मतलब कि आप अपने फोन को रिमोट बना करके यूज नहीं कर सकते, जो कि बहुत ज्यादा सैड वाली बात है, लेकिन अगर होता तो बढ़िया रहता, लेकिन नहीं है तो क्या कर सकते हैं।
भाई एक चीज और यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे भाई डिवाइस को ठंडा रखने के लिए इन्होंने 8 लेयर ऑफ ग्राफाइट शीट इन्होंने यूज किया है, जो कि हीट को ट्रांसमिट करता है और भाई जिसकी वजह से फोन 8 डिग्री तक की काफी हद तक की कूल रहता है। अगर 8 डिग्री का यहाँ पे भाई डिफरेंस लेकर के आएगा तो बिलीव मी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप सोच लें अगर एक पर्टिकुलर डिवाइस जो कि 44 डिग्री के आसपास तक जा रहा है और अगर उसको आप 8 डिग्री अगर आप डिक्रीज कर देंगे तो वो एक्चुअल में हो जाएगा 36 डिग्री। तो अगर इतना ज्यादा ये लोग यहाँ पे कूलिंग प्रोवाइड कर पाए तो आई विल डेफिनेटली से दैट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्मार्टफोन, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक चीज और आप लोग यहाँ पे बता दूं, काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा, यहाँ पे आपकी LPDDR4X वाली रैम यहाँ पे यूज हुई है और यहाँ पे UFS 3.0 नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे UFS 2.1 यूज हुआ है, जिसकी वजह से OnePlus 7 Pro के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्पीड स्लो यार रहेगी, क्योंकि वहां पे 19 हर्ट्ज की वहां पे स्क्रीन भी देखने को मिलती है, साथ ही साथ में UFS 3.0 है, पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसने UFS 3.0 यूज किया है, तो भाई इसीलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन भाई यहाँ पे प्राइस का भी जमीन और आसमान का अंतर देखने को मिल जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी कंप्लेंट नहीं है रेडमी के डिवाइसेस के साथ में मेरे को। तो भाई अभी मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आप लोगों के लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं प्राइस के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। भाई रविकांत कुमार जी ने पूछा था कि यहाँ पे क्या ग्लास बॉडी देखने को मिलती है, तो यस यहाँ पे आपको बैक में ग्लास बॉडी देखने को मिल आपको जाती है। महंगा है ये, 10,000 तक होना चाहिए था, गेमिंग इस फन ने बोला है, तो भाई इन्होंने मजाक किया हुआ है। 10,000 तो हम सोच भी नहीं सकते, Snapdragon 855 Snapdragon 730 भी नहीं हम लोग सोच सकते हैं, तो भाई ये तो बहुत ज्यादा हो गया दोस्तों। इसके बाद भाई यहाँ पे संयन दत्ता जी ने पूछा है कि ये इंडिया में कब तक आएगा। एक चीज आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि 15 तारीख को, जी हाँ दोस्तों 15 जून को यहाँ पे कोई लॉन्च होने वाला है Xiaomi की तरफ से। तो भाई यहाँ पे Redmi K20 यहाँ पे लॉन्च हो सकता है, Redmi का Poco F2 अगर यहाँ पे आ जाए, मतलब Xiaomi का Poco F2 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद से Redmi का K20 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा विथ अ न्यू नेम ऑफ Redmi 90, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन लेट्स सी कि किस नाम से आता है और कौन सा डिवाइस यहाँ पे लॉन्च होता है, क्योंकि भाई यहाँ पे Redmi 7A भी लॉन्च हुआ था चाइना में, तो अगर ये लोग 15 तारीख को Redmi 7A ले आए तो भाई पूरी की पूरी हमारी आशाओं पे पूरा का पूरा पानी फिर जाएगा, तो उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि लास्ट वाला 8 GB रैम विद 256 GB ऑफ स्टोरेज आएगा इंडिया में कि नहीं आएगा, तो भाई ये तो देखने वाली बात होगी। अगर मेरे को लगता है कि यार आएगा, सारे के सारे वेरिएंट आएंगे, क्योंकि भाई ये फोन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बहुत सारे लोग होंगे जो कि ये हायर वाले वेरिएंट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो Xiaomi ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेगा कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल SD कार्ड स्लॉट भी एक्स्ट्रा वाला देखने को नहीं आपको मिल आपको रहा है, और साथ ही साथ में यहाँ पे स्टोरेज में भी अगर ये लोग कंजूसी कर देंगे तो भाई मुझे नहीं लगता कि Xiaomi वाले ऐसी कोई गलती करेंगे। आर बोथ द फोन कमिंग टू इंडिया? यस, बोथ ऑफ द फोन विल बी कमिंग टू इंडिया वेरी सून। दोस्तों इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे प्राइसिंग की बात कर ले तो मैंने आप लोगों को कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करके आप लोगों को प्राइसिंग के बारे में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो फिर दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद तो आई ही होगी, तो अगर आई होगी तो प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अमंग्स योर फ्रेंड, और कमेंट करके बताइए कि इसके अलावा आप लोगों के कौन कौन से डाउट है, मैं कमेंट में आप लोगों के जवाब दे दूंगा। और हाँ दोस्तों यहाँ पे एक चीज और, मैं अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर फोन का किसी और के साथ में यहाँ पे कंपैरिजन चाहिए, फुल स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन, तो प्लीज मुझे कमेंट आप करिएगा, मैं वो वाली भी वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊंगा कल। तो दोस्तों डेट वॉज ऑल फ्रॉम द गिकी मॉम फॉर द डे, थैंक यू।